मायरे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। राहिला का बच्चा नहीं बचता गिरने की वजह से। राहिला को हर तरफ अपने बच्चे की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही अनाया रोती है, राहिला कहती है मेरा बच्चा रो रहा है। हबीब उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन राहिला नहीं रुकती। राहिला के सर पे एक धुन सवार हो जाती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। वो भाग भाग के अनी के कमरे की तरफ जाती है। अनाया की आवाज सुनती है तो उसको लगता है कि उसका बच्चा रो रहा है। दूसरी तरफ हबीब आलिया से मिलने उसके घर जाता है तो वहाँ पर आयशा की अम्मी भी होती। आयशा की अम्मी राहिला की इस हालत का जिम्मेदार हबीब को ठहराती है। कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है हबीब, ना तुम मेरी बच्चियों और मेरी बेटी के साथ बुरा करते और ना ही आज तुम्हारे आगे ऐसा कुछ आता। तुमने मेरी बेटी और नवासियों के साथ जरा भी अच्छा नहीं किया। अब किस बात के लिए आए हो तुम यहाँ पे? ये सब कुछ मेरी बेटी की हाय का नतीजा है। इस तरह तुमने उसको दरबदर किया है इस तरीके से। तो दोस्तों सबको क्या लगता है, क्या वाकई में आयशा की हाय ले बैठी है राहिला? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।